एक्सप्रेस पे चल रहे हैं हम लोग। भीड़ होगी बहुत, लेट पटलेट थी। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप बढ़िया होगा, मौसम बढ़िया हुआ है और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने ग्रेटर नोएडा। तो मज़ा आने वाला है क्योंकि हम जाएंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ से होते हुए। ये बारिश के चक्कर में रोड ख़राब हुआ है सारा, रोड अभी तुरंत ही बना था। ये वाले से काम चलेगा, अभी कुछ दिन इसी से काम चलाना है मेरे को। कैमरा ये चलो, भाई यहाँ पे ना ट्रैफिक लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रैफिक लाइट है ही नहीं यहाँ पे। क्या बढ़िया मौसम हुआ है, रास्ते में सीधे जाने हैं की तरफ जाकर मिलाएगा ये रास्ता मेरे को। ओके, तो अब हम एंट्री करने जा रहे हैं एक्सप्रेसवे पे। बगल में मेरे एक्सप्रेसवे है, इसका एंट्री पॉइंट यहीं कहीं होगा। नीचे से अंडरपास गया हुआ है रोड को चढ़ जाने के लिए, तो इसका एंट्री पॉइंट यहीं कहीं होना चाहिए। आई थिंक आगे गाड़ी जा रही तो आगे से ही होगा। तो लेट्स गो। चलो भाई एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं हम लोग। भीड़ होगी बहुत, लेट पटलेट थी। भाई हम आ गए ग्रेटर नोएडा में। एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला, मतलब नोएडा ग्रेटर नोएडा पहुँचते ही। और मतलब आई थिंक यहाँ से एक्सप्रेस वे ख़त्म ही हो चुका है, मतलब लग रहा है यहाँ से शायद प्रॉपर लेंथ में। तो एग्जैक्ट पता नहीं कहाँ तक और क्या है, पूरा पैर पे सीटा पड़ेगा और थोड़ा सा गाड़ी स्लो चलाना पड़ेगा। यहाँ पे पानी गिरा हुआ है तो गाड़ी स्लो कर सकती है, और आई थिंक इधर बारिश हुआ है इसीलिए इधर पूरा रोड पर पानी लगा हुआ है। अब यहीं से तुमको यमुना एक्सप्रेस वे का भी कट मिल जाएगा, तुमको यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ जाता है ये एक्सप्रेस वे। तो ये रहा तुम्हारा, अगर तुमको यमुना एक्सप्रेस वे पर जाना है लाइक जेवर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, तो यहाँ से तुम कट के निकल जाओ सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पर, सीधे तुम चले जाओ परी चौक ग्रेटर नोएडा। और ये तुम्हारा यमुना एक्सप्रेस वे, मतलब जैसे कट के जुड़ जाएगा आगे जाके। We have to take a U-turn from this roundabout. बहुत से लोग यहीं से टर्न ले रहे हैं, बट मैं रूल फॉलो करते हुए आगे से टर्न लूँगा पूरा। पीपल आर जस्ट टेकिंग U-turn from here only. I think that is not allowed. I think so. यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। ग्रेटर नोएडा के रास्ते कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है मेरे को लग रहा है नोएडा के मुकाबले। बट मैं बाइक पे हूँ, मैं इस मिस्टेक को सुधार सकता हूँ।
ओके, तो मुझे एक्चुअली ना ये कट लेना था और मैं बात करते करते आगे निकल गया, तब मुझे जाना ये कट तो यहीं से था। अभी भी ये गलत बता रहे हैं, थोड़ा सा मैं रास्ता लग रहा है कहीं और घूम जाऊँ, बट कोई नहीं, मैप अपने इसलिए रहा है, जबकि मैप से इजीली मैं पहुंच जाता, बट आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ओए हाँ हाँ, अरे यार मैं तो पहुंच गया, घर ही पहुंच गया यार, मैं भी पागल हूँ। आई वाज सीरियसली डूइंग अ ब्लंडर यार, मैं देख ही नहीं था इसका यहाँ पे सोसाइटी ये रहा। आई वाज सीरियसली डूइंग अ ब्लंडर डूड। रास्ते यहाँ का जरूर खराब है। एक्चुअली में ये जो RW है ये अभी अंडर डेवलपिंग है, तो मतलब यू नो अभी बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें बनी नहीं है यहाँ पे। और चलो मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ, राइड करके मज़ा आया। रास्ते इधर के ज़रूर ख़राब थे, एक्सप्रेसवे का रास्ता मतलब रोड जो था मज़ा आया ड्राइव करने में, तो बढ़िया था। चलो फिर तुम लोग से मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ऐसे प्यार दिखाते रहो यार। जल्दी मिलते हैं तुम लोग से, बाय।